गाइज, ये घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेडबुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेडबुल पी रहा हूँ, लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेडबुल कंपनी का टैगलाइन था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेडबुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था, सच में रेडबुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़े थी, उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़े भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी। और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइज, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइज, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं। और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाके में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।